खेत में आके रो रहे हैं सारस के बच्चे और सारस का परिवार। फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूं, आरिफ भाई ने अभी अभी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि सारस के परिवार वाले किस खेत में आते हैं और वहां पे आए हुए हैं, और उन्होंने वीडियो भी बनाया है। वीडियो बना के उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि सारस के परिवार वाले और सारस के जो बच्चे हैं सभी लोग आके खेत में सारस को ढूंढ रहे हैं लेकिन सारस नहीं मिल रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आरिफ भाई का वीडियो है जो उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं सारस यहाँ पे आए हुए हैं और ये सब सारस आके अपने सारस को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनका सारस नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका जो सारस है वो कानपुर चिड़ियाघर के अंदर कैद है और उसको कैद करके रखा गया है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप एक कमेंट देख सकते हैं, ये कमेंट आप देख सकते हैं रोजीना परवीन ने किया है जिसमें लिखा हुआ है, आरिफ के खेत में सारस के बच्चे रोज अपनी सारस माँ को आवाज लगाते हैं लेकिन सारस माँ कैद है, फिर भी उनको आजाद नहीं कर रहे हैं, छोड़ दीजिए आरिफ वो लोग पिग हैं। तो इस तरह से रोजीना परवीन ने कमेंट किया है और इनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आरिफ भाई आप देख सकते हैं, आरिफ भाई खुद आपको दिखा रहे हैं कि सारस का जो परिवार है खेत में आया हुआ है वो अपने सारस को ढूंढ रहा है लेकिन सारस नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा वो सारस, तो जो इनका सारस है वो कानपुर चिड़ियाघर में कैद है और आरिफ का जो सारस है बताया जा रहा है कि वो फीमेल है इसीलिए इसको आजाद नहीं कर रहे। भाई वो फीमेल है तो उसका परिवार भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, तो इसको तो और जल्दी आज़ाद करना चाहिए और भेज देना चाहिए कि ये अपने परिवार के पास जाए और अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन इस तरह से ये लोग नहीं कर रहे हैं। सारस को बंद करके क्वारंटीन में रखा गया है और आरिफ को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। और फ्रेंड आरिफ लगातार यही कोशिश करते हैं कि वो अपने दोस्त सारस से जल्दी मिले, और इन्होंने कोर्ट में भी बातचीत किया है, हो सकता है कि कोर्ट के माध्यम से ये अपने सारस अपने दोस्त से मिल पाए। और फ्रेंड जैसा भी होता है मैं आपको आगे अपडेट देता रहूंगा। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।